बच्चों, आज बुद्ध धम्म के बारे में भंते जी ने जो हमें देशना दी है उसके लिए भंते जी का आभार, साधुवाद। और आप सब लोगों ने काफ़ी दूर से आकर इसमें भाग लिया, हम लोगों को जो अनुग्रहित किया है उसके हम बहुत आभारी हैं। इस तरह से ये बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अब आपकी जो दीदी है ना, उनको बुलाइए। तो बुद्ध की शरण में गए हैं और बुद्ध के बाद में जो दूसरा धम्म की शरण में गए हैं। धम्म का एक सीधा साधा अर्थ होता है आचरण। आचरण और धर्म जो दो अलग अलग चीजें होती हैं। धर्म एक पर्सनल, एक व्यक्ति का खुद का होता है। कोई भी शाखा हो सकती है, कोई किसी धर्म का हो सकता है, वो उसकी व्यक्तिगत बात होती है। लेकिन जब धम्म की बात करते हैं, अगर दो व्यक्ति हैं इसको खोल दी तो उनको धम्म की आवश्यकता ही पड़ेगी। धम्म का अर्थ सीधा साधा है आचरण। अगर दो व्यक्ति कहीं भी मिलते हैं, आपको चाहे बस के सफर में मिले, ट्रेन के सफर में मिले, या जिंदगी में जो आप पति पत्नी के रूप में चलते हैं, पूरे जीवन में भी अगर चलते हैं, अगर आपका आचरण अपने साथी के प्रति, दो व्यक्ति आपस में भी अगर आचरण में कोई कमी पैदा करेंगे, उनके होगी, तो वो उसमें कोई ना कोई गलती हो सकती है। तब हमें बुद्ध धम्म ये सिखाता है कि हमें आचरण लूटा पकड़ी सब लोग मिलके, ये बुद्ध धम्म है। इसलिए धर्म और धम्म में ये अंतर है कि कोई भी धर्म का आदमी बुद्ध धम्म में